सो हाय गाइस, मैं शुभम और आज मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी A7 2018। इसे मुझे यूज़ करते हुए करीबन 5-6 दिन हो चुके हैं और मैं इस वीडियो में अपना ओपिनियन देने वाला हूँ प्रोज एंड कॉन्स के साथ में। इस फ़ोन में क्या क्या खासियत है और क्या क्या कमियाँ आपको देखने को मिलेगी, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें, सबसे पहले इस फ़ोन की मेन हाईलाइट है इसके 3 कैमरा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें 3 कैमरा दिए हुए हैं। सबसे पहला कैमरा जो मेन कैमरा है वो 24 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा और जो सेकेंडरी कैमरा है वो आपको वाइड एंगल के साथ में 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा और 5 मेगापिक्सल इसमें डेप्थ सेंसर दिया हुआ है जो कि आपको काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ लेने में मदद करता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल में काफ़ी सारी फ़ोटो ली हुई है जो कि काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ यहाँ पे आती है, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके तीनों कैमरा काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, इवन लो लाइट में भी आपको काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ देखने को मिलेगी। हालांकि लो लाइट में आपको काफ़ी लाइट देखने को मिलेगी पर डिटेल हालांकि वहाँ पर काफ़ी मिस होगी। अगर आप सोशल मीडिया वगैरह ऐप यूज़ करते हो तो उस केस में आपके लिए फ़ोन अच्छा है क्योंकि नाइट में भी काफ़ी अच्छी सेल्फीज़ वगैरह ले सकता है। आप मेरा डेडिकेटेड वीडियो कैमरे के लिए देख सकते हो, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसके कैमरे के बारे में बताया। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी मैंने ली थी नाइट में, तो ये सारी फ़ोटोज़ नाइट में ली हुई है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है यहाँ पे। और लो लाइट में अच्छा है कैमरा, इस रेंज में शायद सैमसंग ने काफ़ी अच्छा कमाल किया है इसमें। अगली प्रोज की बात करूँ तो यहाँ पे इसकी डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन वाइज आप देख सकते हो कि फ़ोन ग्लास सैंडविच डिज़ाइन के साथ में आता है। फ्रंट और बैक में दोनों साइड में ग्लास दिए हुए हैं और बीच में आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम दिया हुआ है जो कि आपको काफ़ी सॉलिड फील देगा, आपको बिल्कुल सॉलिड फील देने वाला है और लगेगा नहीं आपको चीप क्वालिटी का आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी, काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, साथ में आपको प्रीमियम लुक भी देता है। और लुक एट दिस, ये 3 कैमरा जो दिए हुए हैं, 3 कैमरे से आपका फ़ोन काफ़ी प्रीमियम फील होगा आपको और काफ़ी अच्छा लगेगा। पीछे जो सैमसंग की ब्रांडिंग दी गई है वो भी काफ़ी अच्छी दी हुई है और ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है। हाथ में लेने पर आपको काफ़ी अच्छा प्रीमियम फील होने वाला है। अगला रीज़न है प्रोज इसका, वो इसकी डिस्प्ले है। इसकी डिस्प्ले आपको 6 इंच की डिस्प्ले दी हुई है इसमें जो कि फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है और 18.5:9 रेशो की डिस्प्ले के साथ में आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मैं सनलाइट में बैठा हूँ फिर भी इस डिस्प्ले की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो डिस्प्ले के मामले में सैमसंग ऑलरेडी बेहतर है। यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी हुई है जिससे कि आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसमें देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छे व्यूइंग एंगल देखने को मिलेंगे। आप किसी भी एंगल से देखते हो तो आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा और सैमसंग की डिस्प्ले वैसे ही स्मार्ट होती है, काफ़ी अच्छी होती है। तो इस तरीके से आप अगर आप मीडिया कंजप्शन में ध्यान जा रखते हो तो ये फ़ोन खरीद सकते हो। हालांकि इसमें बड़ी बड़ी बेजल्स दी हुई है पर थैंक गॉड इसमें गूगल पिक्सल की तरह एक बड़ी नोच तो नहीं दी गई है। अगले अप्रोच की बात करूँ तो यहाँ पे इसका सेल्फी कैमरा 24 मेगापिक्सल का दिया हुआ है जो कि मेन कैमरे से काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। लो लाइट में अगर आप सेल्फीज़ वगैरह लेते हो तो मेन कैमरे से अच्छी सेल्फीज़ आपको इसमें सेल्फी कैमरे में देखने को मिलेगी जो कि मैंने ली हुई है, डेडिकेटेड वीडियो में आप जाके देख सकते हो। अगला रीज़न है इस फ़ोन का प्रोज, वो है इसकी ट्रिपल स्लॉट। इस रेंज में डिवाइस ये ट्रिपल स्लॉट के साथ में आता है, 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो और 64 GB इनबिल्ट इसमें स्टोरेज दिया हुआ है 4 GB RAM के साथ में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगला रीज़न है, अगला प्रोज है डुअल वोल्टी। ये फ़ोन स्टैंड बाई डुअल VoLTE को सपोर्ट करता है, उसमें 2 Jio SIM कार्ड एक साथ यूज़ में ले सकते हो और अपनी जो डेली लाइफ है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगला लास्ट रीज़न है इस फ़ोन को ख़रीदने का, वो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। हालांकि नई टेक्नोलॉजी तो नहीं है, सैमसंग ने सोनी ने पहले दे दी थी टेक्नोलॉजी पर यहाँ पे सैमसंग ने कुछ अच्छा किया है, कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो देख सकते हो आप साइड में, तब का फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, इंस्टेंटली अनलॉक हो जाएगा। हालांकि 0.5 सेकेंड का डिले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पर यहाँ पर आप जैसे टच करोगे आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से अनलॉक और लॉकिंग का फीचर वर्क कर रहा है। अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कुछ कॉन्स के बारे में जो कि आपको शायद नहीं पता होंगे। सबसे पहला कौन सा इस फ़ोन का, वो इसका प्रोसेसर। इस फ़ोन में जो प्रोसेसर दिया हुआ है सैमसंग का खुद का एक्जीनो 7885 दिया हुआ है जो कि आप मान सकते हो कि स्नैपड्रैगन 636 से थोड़ा ऊपर है और स्नैपड्रैगन 660 से थोड़ा नीचे है, मतलब दोनों के बीच में आप इस प्रोसेसर को मान सकते हो। हालांकि गेमिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छे तरीके से डेली लाइफ में भी आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर अगर अदर रेंज की बात करोगे, अदर कंपनीज की बात करोगे, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोसेसर इस रेंज में देखने को मिल सकते हैं। बट ऑलरेडी आप जानते हो कि सैमसंग शायद इस प्राइस में हमेशा किसी भी प्राइस में आपको फ़ोन महंगे देखने को मिलते हैं और उसमें प्रोसेसर कम देखने को मिलता है, तो ये कौन सा रीज़न है जो नहीं ख़रीदने का इस फ़ोन का, उसका लो लाइट का कैमरा। हालांकि लो लाइट में कैमरा काफ़ी अच्छा है
मगर प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो डिटेल है वो सारी मिस हो जाएगी अगर आप सोशल मीडिया पे यूज़ करते हो। तो उस केस में फ़ोन अच्छा है, मगर आप डिटेलिंग के लिए फ़ोन चाहते हो तो उस केस में आपकी डिटेल है जो बिल्कुल मिस हो जाएगी। यहाँ पे आप फ़ोटोज़ देख पा रहे हो, हालांकि लो लाइट में काफ़ी अच्छे तरीके से फ़ोटोज़ ले लेता है, लाइटिंग वगैरह अच्छे से कैप्चर कर लेता है, बट जो डिटेल है वो काफ़ी मिस हो जाती है। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो आपको डिटेल चाहिए या फिर ज़्यादा सोशल मीडिया के लिए एक फंकी फ़ोटो चाहिए। फंकी फ़ोटोज़ के लिए तो काफ़ी अच्छा है, मगर इसमें जो डिटेल है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगी आपको, और लाइटिंग तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी आपको। हालांकि सेल्फ़ी कैमरा बेहतर है इससे, सेल्फ़ी कैमरा में मुझे कोई शिकायत नहीं है, बैक कैमरे में थोड़ी शिकायत थी जो मैंने आपको बता दी है। और इस फ़ोन में आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी नहीं देखने को मिलेगा। आप अगर आप सेटिंग में जाके देखते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे फुल HD वीडियो ही रिकॉर्ड कर सकते हो, आप 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। और इसमें जो EIS दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा वीडियो स्टेबलाइजेशन, वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, और मतलब शेकी शेकी फुटेज आपको देखने को मिलेगी। मैंने कुछ वीडियोज़ यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, वहाँ पे आप देख के डिसाइड कर सकते हो कि इसका जो EIS है वो ठीक तरीके से वर्क नहीं करता है। अगर आप अच्छी ब्लॉगिंग वाला कैमरा चाहिए आपको अल्ट्रा वाइड के साथ में तो खैर अच्छा हो सकता है, पर इसका जो EIS है वो ठीक तरीके से बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। अगले रीजन की बात करो तो इसमें बैटरी दी गई है 3300 mAh की, हालांकि बैटरी एक दिन आराम से निकाल देगी आपको, पर इस प्राइस रेंज में शायद किसी और कंपनी की बात करो तो उसमें 4000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल सकती है और वो आपका आराम से 1.5 दिन तो निकाल ही सकती है। मगर आप अगर एक दिन की बैटरी साथ में जा सकते हो तो आप ले लीजिए फ़ोन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको बैटरी ज़्यादा चाहिए तो शायद आप कोई और फ़ोन कंसिडर कर सकते हो। इसमें एक दिन से ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप देखने को नहीं मिलेगा, करीबन स्क्रीन टाइम देखने को मिलेगा 7 घंटे का, जो कि खैर अच्छा है। और अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे इसका स्लो चार्जिंग दिया हुआ है, मतलब इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें माइक्रो USB चार्जर आपको देखने को मिलता है, साथ ही में जो चार्जर की रेटिंग दी गई है वो 5 वोल्ट 1.57 चार्जर की रेटिंग दी गई है इसमें। मतलब नॉर्मल आपको 2 एम्पियर का चार्जर भी आपको देखने को नहीं मिलता है, करीबन 1.5 एम्पियर का आपको चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि सैमसंग पता नहीं क्या चाहता है। अगर आप सैमसंग के 13-14 हज़ार के फ़ोन भी खरीदते हो तो उसमें आपको 5 वोल्ट 1 एम्पियर का चार्जर देता है, और यहाँ पे 2 वोल्ट का आपको चार्जर भी देखने को नहीं मिलेगा। और करीबन फ़ोन चार्ज होने में 2.5 घंटे लेता है, 2 घंटे 25 मिनट 2 घंटे 30 मिनट लेता है, तो शायद सैमसंग को यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी देनी चाहिए थी। तो यही कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे, और ज़्यादा जानने के लिए आप मेरा फुल वीडियो देख सकते हो जो मैंने चैनल पे पब्लिश कर दिया ऑलरेडी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।